नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हर बार की तरह हमारे यहां जयपुर हेड ऑफिस में अलग अलग स्टेट से फ्रेंचाइजीज आती है ब्रेन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ये प्रोग्राम है उसकी फ्रेंचाइजी लेने के हिसाब से, और हम हर बार की तरह आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फ्रेंचाइजीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और उसी क्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हैं सुरेश जी पटनायक साहब उड़ीसा से, जिन्होंने ये प्रोग्राम को पहले देखा था। अभी उनसे हम बात करेंगे, उनका अपना अनुभव है। उन्होंने पहले प्रोग्राम को देखा, समझा, फिर क्यूरियसिटी रही तो यहाँ उसको देखने के हिसाब से आए। जब पूरा प्रोग्राम समझ लिया तो अपना यहाँ पर ट्रेनिंग लिया, और अब जब यहाँ से जा रहे हैं अपना एक अनुभव लेके जा रहे हैं, तो हमारी सुरेश जी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका क्या अनुभव रहा इस प्रोग्राम को, जब आपने पहली बार देखा तब, यहाँ ट्रेनिंग लिया उसके बाद, और अब जब आप जा रहे हैं तो आपका क्या फ्यूचर विजन है। तीनों के ऊपर हम बात करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नमस्कार सुरेश जी साहब, मैं अभी हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और बहुत सारे करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक्सपीरियंस से इन्हें लाभान्वित करें ताकि ये भी आगे इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। जरूर जरूर विपुल जी, ऐसा है, मैं आपका ये 360 का प्रोग्राम YouTube में देखा। YouTube में देखने के बाद मेरे को बहुत चीज़ में देखा, जो कि आपका ब्लाइंड फोल्ड है और कलर पहचान करना है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं पहले तो सोचा हो सकता है ये कोई जादू होए या कुछ और है जो कि पहले से बच्चे जानते हैं, एक्चुअली दैट इज़ ट्रू। तो उसको देखने के बाद मेरे मित्र से भी बात हुई, मेरे मित्र गिरीश जी, वो भी मेरे को बोले फिर हम प्रोग्राम के चलो एक बार जयपुर चल के इनसे मिलते हैं कौन है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जो पिक्चर था, मेरा जो सोच था, वो कुछ डिफरेंट हो गया सच। आज पहले तो मैं 2 दिन का जो ट्रेनिंग लिया, पहला दिन का ट्रेनिंग में मेरे को कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, मेरे को तब तक ये एक ड्रामा जैसा लगा। लेकिन सेकेंड डे में मेरे को एक्चुअली फील हुआ, जो बच्चों ने मेरे को दिखाया और मिस्टर विनीत जी ने जो समझाया और आपने जो मेरे को बताया, मैं तीनों चीज़ें काफ़ी प्रभावित हुआ और बच्चा से काफ़ी प्रभावित हुआ, एक्चुअली दैट इज़ ट्रू। तो उसके बाद आज हम लोग डिसाइड किए जो इस प्रोग्राम को मैं लेके जाऊं उड़ीसा, जो कि उड़ीसा के बच्चे लोग डेवलप कर सके, वहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम का अंदर बच्चों को कुछ दे के हम उनसे कुछ पा सकें, पाने का मतलब वो देश का विकास के काम में लग सकते हैं। इसलिए आज मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है जो कि हम इसको लेके जा रहे हैं उड़ीसा, जयपुर से उड़ीसा। और आपसे और एक चीज़ आग्रह करते हैं, आने वाले दिन में जब भी हमारी ज़रूरत पड़े या आपका ज़रूरत हमें पड़े, तो काफ़ी आप रिक्वेस्ट है जो आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा फॉर 360। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। आप पे सुरेश जी पटनायक साहब, जैसा कि इन्होंने कहा, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, अश्योर करते हैं कि हाँ हम लोग आएंगे। हमारा सिस्टम है, आने वाले टाइम तक जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, टीम तैयार नहीं हो जाती, कंपनी फुल सपोर्ट करती है और उसके आगे भी करती रहती है। जैसा कि अभी आपने देखा था, उड़ीसा से हमारे साथ में मौजूद, अभी आपकी बात कर रही हमने सुरेश जी पटनायक साहब से, और उसी क्रम में उन्हीं की टीम से एक और शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, गिरीश जी साहब, वो भी उड़ीसा से आए हैं, ये टीम आई है पूरी। तो अब उसी क्रम में हम इनका भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्यों देखिए हर व्यक्ति प्रोग्राम को अलग तरीके से देखता है और समझता है। तो अब वो अनुभव हम गिरीश जी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अनुभव आप शेयर करें ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। नमस्कार साहब। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश कुमार सिंह, सुंदरगढ़ उड़ीसा से। मैंने इस प्रोग्राम को यूट्यूब में देखा था, और देखने के बाद में मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये सही है, ये गलत है, ये क्या है, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बच्चा इतना डेवलप कर सकेगा या बंद आँखों से सब कुछ देख सकेगा या पढ़ सकेगा। मेरे को एक विचित्र जैसा लगा, मैंने 2-3 महीना सोचने में लग गया। फिर मैंने इनका नंबर से, विपुल जी से, विनीत जी से मैंने कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद में मेरे को जिज्ञासा हुआ सोचने के लिए, क्योंकि मैं भी 2 बच्चे की बाप हूँ, मेरे बच्चों में भी यही प्रॉब्लम आता है कि कैसे ये सॉल्व हो। अगर मैं अपने लिए सोचता हूँ तो मेरा उड़ीसा का सबके लिए मैं सोचूंगा, मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा का सारे बच्चे इतना डेवलप करें ताकि हम लोग का उड़ीसा का नाम हो। वैसे तो राउरकेला में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, सुंदरगढ़ में भी हैं, धीरे धीरे सुंदरगढ़ भी डेवलप कर रहा है। अगर इस प्रोडक्ट को हम लेके जाएं और इसमें से कुछ बच्चे अगर इसका लाभ उठा सके तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए मैंने जब यहाँ आया, हम लोग तीनों, सुरेश पटनायक जी, अभिषेक वर्मा जी और हम तीनों मिलके यहाँ 2000 किलोमीटर आए। आने के बाद मैं 2 दिन का जो ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग के बाद में हमको समझ में आया कि एक्चुअली ये साइंस का ही बोला जाए तो ये साइंस का ही मैजिक है।
ये मैजिक तो वैसा नहीं है, लेकिन ये साइंस का ही है और इसमें डेवलप किया जा सकता है। तो आज हम इस प्रोडक्ट को लेके ओडिशा जा रहे हैं, ओडिशा सुंदरगढ़ राउरकेला संबलपुर। मेरा मित्र है भुवनेश्वर में, बालेश्वर में, सबसे मैंने बात भी किया है, कमिटमेंट भी किया है, मेरे को अच्छा लगा और मैं सोचता हूँ कि इस प्रोडक्ट से हमारा ओडिशा में बच्चे भी डेवलप कर सकेंगे। आज इस इनसे मिलके टीम 360 डिग्री से मिलके ट्रेनिंग लेके भी विनीत जी का आभारी हूँ, ये विपुल जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि ऐसा चीज़ हमको वो इंट्रोड्यूस कराए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप है गिरीश जी जिनसे हमने बात करी भी, इसी क्रम के अंदर हम एक और शख्स को इनवाइट करने जा रहे हैं, अभिषेक जी साहब से, आप भी आ जाएं। अभिषेक जी एजुकेशनिस्ट हैं, ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि देखिए सर यंगस्टर्स जल्दी जो है चीज़ को समझे और आगे साझा इस प्रोग्राम को बढ़ाएं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अभिषेक जी साहब से कि अपने जो एक्सपीरियंस को जनता को से लाभान्वित करें। धन्यवाद सर। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मैं राजामपुर ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में देखने के बाद मैं सोचा क्या ये पॉसिबल है। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम किया था मेडिटेशन के ऊपर, तो करने के बाद मैं जानता हूँ मेडिटेशन की पावर, तो मुझे कुछ बिलीव हुई। देन उसके बाद मेरे पार्टनर जो हैं गिरीश जी, उनसे डिस्कस हुई। देन उसके बाद डिस्कस करने के बाद हमारी प्लानिंग हुई कि चलो पहले फेस टू फेस देख लिया जाए क्या वो सही है या गलत। तो हमारी प्लानिंग बनी, फिर हम लोग जयपुर आए। जयपुर में 2 दिन की ट्रेनिंग थी। फर्स्ट डे तो उतनी समझ में नहीं आई, सेकंड डे सारी कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हुई, बहुत अच्छा लगा। सारा प्रैक्टिकल हम लोग खुद अपने आँखों से देखे एंड बाकी सोचे कि क्या ये प्रोडक्ट यदि हम लोग ले के जाते उड़ीसा तो बाकी बच्चे में भी डेवलप हो, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पर आए, प्रोडक्ट ले कर उड़ीसा जा रहे हैं। एंड बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी देखिए ये सब। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया। अभी हमारे साथ में जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद है, तो मेरी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, एमडी साहब से, कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, व्यूअर्स के साथ में शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जो एक्सपीरियंस है, जो अपना उनका अनुभव है, उससे लाभान्वित हो सके। तो सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं डीडी शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360, आपसे मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। सभी व्यूअर्स जो हैं वो इस बात को नोट कर लें कि नीचे नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ये जो उत्कल के अंदर उड़ीसा के अंदर जो फ्रेंचाइजी जा रही है, इनके की लोग अभिषेक जी के, गिरीश जी के और पटनायक जी के नंबर इसको में आपको उपलब्ध होंगे। आप उन नंबरों को देख करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और इसको चीज़ को सीखने के लिए इन्हें प्रस्तावित और आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको अभी 2 चीज़ें और बतलाऊंगा। एक तो बतलाऊंगा कि इस कंपनी का मिशन क्या है और विज़न क्या है। दूसरा जो है, मैं इतनी दूर से 2000 किलोमीटर से चलकर आए हैं सुरेश पटनायक जी, अभिषेक जी और गिरीश सिंह जी, इनको मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतनी दूर से चल कर के आकर के इन्होंने इस प्रोग्राम को सीखा है और आगे जो है इसको फैलाने की, करने की जो इनमें एक ललक है, उसकी मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ। अब मैं अपनी मुख्य बात जो है उसके बारे में आपको पूरे जोश, जुनून और विश्वास के साथ बतलाऊँगा कि इस प्रोग्राम को हमने 2012 में शुरू किया। तब हमने एक 20 वर्ष की योजना बनाई कि 20 वर्ष में जा कर के हमें इसे 20 लाख लोगों तक ले जाना है, न केवल भारत में, भारत के बाहर भी करीबन सभी देशों के अंदर इस प्रोग्राम को ले जाना है। उसके तहत 7 साल पूरे हो गए और 7 साल की अवधि बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें 7 वर्षों की अवधि में बहुत कुछ नई नई उपलब्धियाँ हुई। यहाँ तक कि हमने 1.5-2 लाख से ज़्यादा बच्चों को अवेयर किया इस प्रोग्राम से, बहुत सी स्कूलों में 200 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर इसमें काम किया और 215वीं ये फ्रेंचाइजी है। और इसके साथ साथ हमने एक जो है सेल्फ डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट का एक नया वर्कशॉप भी आरंभ किया, जो कि अभी उसकी विदेशों में शुरुआत की है, आबू धाबी से उसको हमने शुरू किया है। इंडिया में यंग लोग उसे लेना चाहेंगे तो हम देंगे, बाकी जो है सामान्यतः इसको हमने विदेशों के लिए सुरक्षित रख रखा है। कंपनी का मिशन यह है कि हम सिर्फ
बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके जरिए, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हो। जिनकी आमदनी अभी मान लो 15,000 रुपये महीने है अथवा 20,000 रुपये महीने, हम उनको 50,000 रुपये महीने करने में किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, 2,00,000 रुपये करने में किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, यानी उनकी रोज़गार के अंदर एक बूम लाने के लिए इस प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया है और इसको हम कहते हैं कि हम ऑथोराइजेशन सेंटर देते हैं। ये हमारा मिशन है। मिशन ये है रोज़गार के अंदर आमदनी बढ़े और दूसरा जो है बच्चों की प्रतिभाएं बढ़े। हम 20,00,000 लोगों को आगामी 5 वर्ष में रोज़गार के अंदर आमदनी, रोज़गार वो ऑलरेडी कर रहा है उसी के अंदर उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम जो है प्रयासरत हैं। ऐसे अगले 5 वर्षों में हम 20,00,000 लोगों को रोज़गार वृद्धि देंगे। भारत सरकार जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन हम अपनी ओर से बेरोजगारों को रोज़गार देने में, जो सेमी रोज़गार में, क्वासी रोज़गार में छिपी हुई बेरोज़गारी है, जिसके घर का खर्चा मान लो 1,00,000 रुपए महीने का है, उसे 25-30,000 मिलता है, तो वो भी लगभग अर्ध बेरोज़गार है। उस अर्ध बेरोज़गार को हम जो है पूरी तरह रोज़गार युक्त बनाने में अपना एक प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं कि उसको जो है हर भारतवासी अब खुशहाल हो, सिर्फ वो यानी संतोष की ज़िंदगी नहीं जिए बल्कि पर्याप्त पैसा उसके पास में आए, हम इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। अब दूसरी इसके बात मेरे को कहने की, हमारा विजन क्या है। हमने 20 वर्षों का विजन बना रखा है, 7 वर्ष अभी पूरे हो गए, बाकी 13 वर्ष का हमने जो है और काम कर रखा है। 5-5 वर्ष के हमने 4 चरण बनाए थे, 1 चरण से अधिक हमने पूरा कर लिया। इसमें हमने उपलब्धि क्या रही कि हमें न केवल भारत सरकार बल्कि अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IIM जो है उसके द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, तो काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। हमने 200 स्कूलों को किया तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक अच्छा कार्य जो है उसमें हम लगे हुए हैं लोगों की मदद करें। दिक्कत कहाँ आती है कि जब लोग हमारे पास में आते हैं छोटा सोच लेकर के कि साहब मुझे 6 महीने में करना है, साल भर में, हम उन्हें कहते हैं हमने जब 20 वर्ष की योजना बना रखी है तो आप कम से कम 5 साल का विजन लेकर के आइए और 5 साल का ही एक्शन प्लान बना लीजिए और हमारे साथ 5 साल चलने की दृढ़ मानसिकता के साथ काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने के बाद आपकी जो आमदनी है वो 5,00,000 रुपए से अधिक निश्चित रूप से होगी और बाद में और आगे बढ़ती रहेगी। न केवल वो आपके पारिवारिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करेगी बल्कि आपके वहाँ जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में भी लोगों की प्रतिभाओं को बढ़ाएगी और लोगों को जो है ज़्यादा अच्छी आमदनी देने में सक्षम बनाएगी। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि हमारी जो ये कंपनी है सेलिंग कर दी 1,20,000, जिसमें हमने लैपटॉप भी दे दिया, जिसमें स्कैनर भी दे दिया, सॉफ्टवेयर भी दे दिया और सारी चीज़ें एकदम एक सैनिक की तरह मुस्तैद करके सारी चीज़ें उनके लैपटॉप में भर करके दी जा रही है ताकि वो वहाँ बटन दबा करके चला सके। लेकिन चूंकि 2 दिन की ट्रेनिंग में पर्याप्त रूप से आदमी सीख ले ऐसा हम भी उम्मीद नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। तो ये अपने फील्ड में जाएंगे, रोज़ाना जो कुछ भी लैपटॉप के अंदर है उसको रोज़ाना सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, रोज़ाना आधा पौन घंटे इस कार्य में अपना समय देंगे, वहाँ स्कूलों के प्रिंसिपल से मिलेंगे, औरों से मिलेंगे और जहाँ कहीं उनको ये महसूस हो कि टीम 360 तो तत्काल टीम 360 के रिप्रेजेंटेटिव विनीत शर्मा, विपुल शर्मा और दीपक जी हैं, अपने रवि जी हैं और एक विनय जी हैं तथा अंजलि जी हैं, अंजू जी हैं, इनसे यानी आप टेलीफोन पर संपर्क करिए। आपको मार्केटिंग की ज़रूरत हो तो मार्केटिंग, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत हो तो टेक्निकल, अगर आपने रिपोर्ट बनाई और वो आपसे रिपोर्ट नहीं बनी या फिंगरप्रिंट्स भेज दीजिए, ये लोग बना करके आपको ईमेल कर देंगे। दूसरे आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, कोई प्रश्न उसने पूछ लिया जो आपकी जानकारी में नहीं है तो आप यानी इनसे टेलीफोन लगा दीजिए, कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए और विनीत सर से, विपुल सर से उनकी बात करा दीजिए ताकि क्या है कि डायरेक्ट जो है उनसे बातचीत हो सके। जैसा कि अभी पटनायक जी बता रहे थे हम दोनों को मिला देंगे, आप इस तरह से दोनों को मिलाइए, प्रिंसिपल को कॉन्फ्रेंस में लेकर के इनसे बात करा देंगे तो ये उनको क्या है ठीक से समझा पाएंगे। तीसरी बात यह है कि आपको कहीं
दिक्कत हो प्रोग्राम कराने के अंदर, तो आप व्हाट्सएप के जरिए या स्काइप के जरिए जो है यहाँ से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ताकि मिडब्रेन एक्टिवेशन में देख लेवें कौन सा बटन आपने सही नहीं दबाया जिस कारण से कोई दिक्कत हो रही है, ये आपको यहाँ से मार्गदर्शन दे सकेंगे। चौथी बात यह है कि अगर काउंसलिंग में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो काउंसलिंग भी आप यहाँ से बात करेंगे टेलीफोन पर, ये लोग जो हैं काउंसलिंग कर देंगे व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए काउंसलिंग कर दें। आप बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करिए जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हेल्पलाइन के जरिए मित्रों के सहयोग से वहाँ पर काम किया जाता है, उसी तरह से। नेक्स्ट बात यह है, इन सब के बावजूद भी आप अगर ये महसूस करते हैं कि काश या टीम 360 का कोई एक्सपर्ट प्रतिनिधि हमारे साथ हो, तो स्कूल में जाएं तो मज़ा आ जाए, कोचिंग सेंटर में जाएं तो मज़ा आ जाए, हमारे यहाँ हम लोगों को इकट्ठा करें, वहाँ आकर के अपनी बात बता दें, तो हम हमारे यहाँ से टीम भिजवाने की पूरी व्यवस्था कर दें। और इसके लिए हमारा एथिकल कमिटमेंट है जो पैसे से भी ज़्यादा हम निभाते हैं। पैसा अगर रॉयल्टी मिलती तो शायद हम उतना नहीं दिलवाते जितना कि हमारा एथिकल यानी हमारा आत्मिक वचनबद्धता है आपके साथ कि आप अगर हमें बुलाएंगे तो जिस लेवल का कि हम देखेंगे इस लेवल का निपुण व्यक्ति आपके पास में जाए, एक जाए, दो जाए, तीन जाए, जैसी परिस्थिति जैसे आपके पास में प्रोजेक्ट होगा। अगर आप 1000 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 100 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करते हैं, 1000 बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तो पूरी टीम आएगी आपके पास, पूरी टीम आपके पास आएगी, यानी ये टीम 360। पर छोटा है, जैसे मान लो सिर्फ प्रिंसिपल से ही बात करनी है, या आप सोचते हो कि आकर के माहौल बना जाए, तो एक या दो टीम के मेंबर पर्याप्त है। सैलरी हम हमारे सभी लोगों को देते ही हैं, आपके यहाँ जो भी टीम का मेंबर आएगा, एक या दो जितना अपन आपस में बात कर लेंगे उचित रहेगा, उसका खाना खर्चा, आने जाने का किराया और ठहरने की व्यवस्था आप लोगों को करनी है, सैलरी हम लोग देते हैं। एक दिन रोकिए, दो दिन रोकिए, तीन दिन रोकिए, आप ये देखेंगे ये यानी एक साथ अगर सप्ताह भर रुक जाए और बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो सकता है, करीबन हम एडमिशन 400-500 करने की स्थिति में आ जाएं। अगर आपको ऐसा विश्वास हो तो आप सप्ताह भर भी रोक लें उस व्यक्ति को, हम में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने इसके लिए टीम बना रखी है जो फॉलोअप का ही काम करती है। और ये हमने अन्य जो हमारे तरह मिडब्रेन एक्टिवेशन के काम करती है, DMIT के काम करती है, उनसे हमने अपने आप को अलग करने के लिए, उनसे सुपर बनाने के लिए, एक्सीलेंट बनाने के लिए, क्यों हमारा मोटो है एक्सीलेंट वर्क देंगे, ये हमारा मोटो है। तो 16 खूबियां हमारे पास है जो हमने सक्सेस स्टोरी के अंदर निकाल रखी है कि वो 16 ऐसी विशेषताएं हैं जो टीम 360 प्रदान करती है, औरों के पास में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है सुरेश पटनायक जी से, मेरा निवेदन है अभिषेक जी से, मेरा निवेदन है गिरीश सिंह जी से कि आप इसको एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के एक मिशन के रूप में लग जाइए। औरों के लिए माइन्यूशिया हो सकता है पर आपके लिए मिशन होना चाहिए। औरों को ये मजाक का मुद्दा नज़र आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहता हूँ अगर आपने DMIT के काम को जिम्मेदारी से कर लिया तो जो ट्रैफिक बना हुआ है बिना मतलब का बायोलॉजी पर, मैथमेटिक्स पे, मेडिकल में जाने के लिए या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, वो ट्रैफिक आपके काबू में आ जाएगा। आप अच्छे संगीतज्ञ तैयार कर पाओगे, आप अच्छे पॉलिटिशियन तैयार कर पाओगे, आप अच्छे IAS ऑफिसर बना पाओगे और एक सच्चा कंट्रीब्यूशन जो देश को मिलना चाहिए, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, वो कर पाओगे। 12वीं क्लास के बच्चे, 10 से 15 साल के बच्चों, 5 साल से 15 साल वाले बच्चों में आप मिडब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, ऑलराइट, पर बाकी बड़े बच्चों में ये DMIT तो की जा सकती है और इस DMIT से लोगों को लाभान्वित करिए। इनबोर्न उनका जो टैलेंट है वो सामने लाइए ताकि बच्चा जिस फील्ड में जाए बुलंदियाँ छुए, वहाँ का बापू बने, वहाँ का जो है टॉप मोस्ट बने जिस भी फील्ड में जाए। और हर फील्ड में काबिल आदमी के लिए जगह है, ज़रूरी नहीं है कि सारे इंजीनियर बने, ज़रूरी नहीं है देश के अंदर सारे डॉक्टर्स बने, जिस भी किसी फील्ड में जाए आदमी मुकम्मल बने, ये अपना सोच होना चाहिए। और ये अपन जो है DMIT के जरिए कर सकते हैं। DMIT को अगर आपने ठीक से पकड़ लिया, कर लिया, तो देश को आप एक सच्चा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। दूसरा, मिडब्रेन एक्टिवेशन में तो नेचुरली आध्यात्मिक पावर है, नेचुरली ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि उसको तो अगर आपने बच्चों को सिखा दिया तो निहाल कर दोगे, देश आपका जो है कृतज्ञ रहेगा। जापान में अभी अभी शोध हुई है, ये बताया गया
कि जिन बच्चों को 25 साल पहले हमने मिडब्रेन एक्टिवेशन कराया था, हर बच्चा मल्टी मिलियनर है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस जो है वो मिडब्रेन से डेवलप होती है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन हो जाने से उनके अंदर फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, और फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाने से वो व्यक्ति अमीर बन जाते हैं, मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है अगर अपने देश के लोगों को मल्टी मिलियनर बनाने में एक दिशा देता है, अपने को एक प्रयास करने का रास्ता दिखाता है, तो देश को इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है और अपन देश के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बार पुनः अभिषेक जी वर्मा, सुरेश पटनायक जी और गिरीश कुमार जी, जो कि तीनों बहुत अच्छी टीम है, तीनों की बहुत अच्छी टीम है, कम्युनिकेशन स्किल तीनों के पास है, तीनों ही अनुभवी हैं, अगर वो एक एक्शन प्लान बना करके हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि टीम 360 बिल्कुल आपके जो है पीठ के पीछे खड़ी आपको नज़र आएगी, और जहाँ जो भी आप काम करोगे हमारा फुल सपोर्ट आपको रहेगा। धन्यवाद।